कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बनने की तैयारी जोरों पर चल रही है। उधर उनका गुजरात में चुनाव प्रचार भी चरम पर है। प्रचार के दौरान वह मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। राहुल के जनेऊ धारी होने पर बहस जारी है। इस बहस में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कूद पड़े हैं। जब रावत से पूछा गया कि राहुल गांधी को जनेऊ पहनाए जाने को लेकर आप क्या कहेंगे, तो इस सवाल के जवाब में उत्तराखंड सीएम बोले, किसी को भी आप शैम्पू या साबुन से नहलाओगे वो घोड़ा नहीं बनेंगे। बता दें कि बीते दिनों से ही प्रचार के दौरान राहुल गांधी गुजरात में मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। इसी दौरान उनके प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जाने पर विवाद हो गया था। दरअसल राहुल गांधी जब सोमनाथ मंदिर पहुंचे तो उसके बाद एक तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर में था कि राहुल ने मंदिर में प्रवेश के दौरान गैर हिंदू रजिस्टर में साइन किए थे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने राहुल पर हमला बोला था। राहुल पे हमले के बाद कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि राहुल न सिर्फ हिंदू है बल्कि जनेऊधारी हिंदू है, जिसके बाद से ही चुनाव के दौरान जनेऊ का मुद्दा लगातार गर्म होता जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले राहुल ने गुजरात के पाटन में वीर मेघमाया मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कहा था, मैं शिव का भक्त हूँ, सच्चाई में विश्वास रखता हूँ, बीजेपी जो भी कहे मैं अपनी सच्चाई में विश्वास रखता हूँ। कांग्रेस ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं किया था। गौरतलब है कि चुनाव की तारीखें नजदीक हैं और जिस तरह दोनों पार्टियों का रुख दिख रहा है उससे लगता है कि ये मुद्दा अभी और भी जोर पकड़ेगा और चुनाव प्रचार में गूंजता सुनाई देगा। आपको बता दें कि गुजरात में दो चरणों में चुनाव होगा, पहला चरण 9 दिसंबर और दूसरा चरण 14 दिसंबर। चुनाव के नतीजे हिमाचल प्रदेश के नतीजों के साथ ही 18 दिसंबर को ही आएंगे।